WHO@NACH. मुझे जिस तरह से हम पाकिस्तान ने इन्वाइट किया अपने फोरम पे कामयाब औरत कामयाब पाकिस्तान के लिए, तो मैं तो बड़ी शुक्रगुजार हूँ. मुझे ये लगता है कि जो हमारा इस्लाम है, हमारा मजहब जो है, वो आइडियोलॉजी, हमारा कंट्री आइडियोलॉजी का बेस्ड है. आइडियोलॉजी में हमारे यहाँ औरत का बड़ा किरदार है, और इतना किरदार है कि एक नई नस्ल की जो तरक्की, उसकी जो नर्चर करना, उसको जो रियर आप है, वो एक औरत के हवाले की गई. फिर हमारे जो बानी फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा कि मुझे गिव मी एजुकेटेड मदर्स, आई गिव यू एन एजुकेटेड नेशन. तो किसी भी माशरे के लिए औरत का किरदार कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, और ख़ास तौर पे उस माशरे के लिए जिसका इस्तेहकाम की वजह ही हमारे पास इस्लाम है. तो मैं अपने तमाम देखने वालों से ये गुजारिश करूँगी कि खुदा रहा अपनी जो बेटियाँ हैं ख़ास तौर पर, उनके उनकी तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए मौक़ों को आसान करें, उनकी तालीम और तवज्जा के ऊपर कुछ ज़्यादा मेहनत की जाए, ताकि हमारे माशरे का जो कमज़ोर तबका है वो ऊपर आ सके. दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं अपनी साथी औरतों को भी इस बात पर कायल करने की कोशिश करूँगी कि आगे बढ़ने वाली औरत का बजाय कदम खींचने के कदम बढ़ाने की कोशिश करें, बजाय उसकी वल्नरेबिलिटीज़ को ज़्यादा उजागर करने के, उसकी राह को आसान किया जाए, उसकी राह की रुकावट ना बना जाए. ऐसी तमाम माएँ बहनें हम जिनकी वजह से आगे हैं, हमारे पीछे वो हैं जो हमारे बच्चे देख रहे हैं. तो हमें चाहिए जब हम किसी मकाम पे हों तो अपने साथ अपने कलीग, अपने जूनियर डॉक्टर, अपने किसी भी प्रोफेशन में जो जूनियर लेवल का बंदा है, उसके लिए भी ज़िंदगी को आसान करें. शुक्रिया. कामयाब औरत कामयाब पाकिस्तान.